गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू चाना ज्ञान। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे। आज का वीडियो हमारे आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो ध्यान से देखिएगा। हमारा वीडियो डेली मॉर्निंग में 8 बजे आता है, तो आप लोग 10 मिनट का समय जरूर निकाला करिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज, चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हृदयघात से। नेक्स्ट इज, बीटा ब्लॉकर एक औषधि है मचाने हेतु? आपको आंसर करने के लिए 5 सेकेंड्स का टाइम मिलेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हृदयघात से। नेक्स्ट इज, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी, मींस एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट इज, किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है, तो इस उल्लेख में Hg से तात्पर्य है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मरकरी से। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट इज, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। नेक्स्ट इज, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0 कैलोरी। नेक्स्ट इज, सर्वप्रथम मानव हृदय रोपण कहाँ हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका में। आज के वीडियो में साइंस के 20 क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट इज, वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1200 cc। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमीनो अम्ल। नेक्स्ट इज, मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम ऑक्सीलेट। नेक्स्ट इज, जो मनुष्य समझ नहीं पाता है कि उसे भोजन करना कब रोक देना चाहिए, वह पीड़ित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुलिमिया से। नेक्स्ट इज, अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्डियोलॉजी विभाग में।